भारत की राजधानी होने के साथ साथ दोस्तों दिल्ली कई ऐतिहासिक स्थलों को समेटे हुई है। दिल्ली में कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां आप एक दिन की छुट्टी में घूम सकते हैं और अपना दिन बिता सकते हैं। यदि आपने भारत में रहकर दिल्ली दर्शन नहीं किए हैं तो आइए जानते हैं कौन कौन से दिल्ली में वह पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं। लाल किला। लाल किला दिल्ली का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। मुगल वास्तुकला द्वारा लाल बलुआ पत्थर से बना सुंदर किला, कारीगरों ने इतनी महानता से इसका हर कोना उकेरा है कि तारीफ किए बिना आपसे रहा नहीं जाएगा। शाम के वक्त लाल किला का लाइट व साउंड शो आपको बेहद पसंद आएगा। यहां आकर आप लाल किले के फोटोज लेकर एक सुंदर नजारा अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। इंडिया गेट। अगर आप दोस्तों दिल्ली दर्शन कर रहे हैं तो इंडिया गेट को भला कैसे भूल सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसे प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों की याद में बनाया गया था और उन शहीदों के नामों को इसमें लिखा गया है। दिन रात आंधी तूफान, साल के हर एक दिन यहां जलती अमर जवान ज्योति उन वीरों की दास्तां बयां करती है। इसके साथ ही इंडिया गेट के आसपास का गार्डन और राजधानी की चहल पहल आपको इस स्थान की ओर आकर्षित करती है। कुतुब मीनार। यह दिल्ली की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। सिर्फ देश के विभिन्न राज्यों से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी इस ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को लोग देखने आते हैं। कुतुब मीनार के ही पास में एक लौह स्तंभ बना हुआ है जिसकी बड़ी खासियत ये है कि इस लौह स्तंभ में अब तक जंग नहीं लगा है। आसपास की हरियाली देखने हेतु पिकनिक मनाने भी लोग दिल्ली के इस पर्यटन स्थल पर बड़ी संख्या में आते हैं। हुमायूं का मकबरा। भारत के अन्य राज्यों की तरह दिल्ली काफ़ी बड़ी तो नहीं है परंतु इसमें कई ऐतिहासिक स्थल हैं जिनमें से एक है हुमायूं का मकबरा। शताब्दियों के बाद भी अपनी सुंदरता बरकरार रखे हुए इस स्थान को हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। यहाँ हुमायूं के साथ यहाँ मुगलों के कुछ खास सदस्यों की समाधि बनाई गई है। ऊंची ऊंची पथरीली सीढ़ियाँ, बड़े बड़े कलात्मक दरवाजे ये प्राचीनता को बखूबी दर्शाते हैं। अक्षरधाम मंदिर। विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में गिने जाने वाले इस स्वामी नारायण मंदिर की बनावट और सुंदरता आपको इस धार्मिक स्थल की तारीफ करने पर मजबूर कर देगी। यह मंदिर काफी बड़ा है, यहाँ आकर आप सारी दुनिया को भूल जाएंगे। सिर्फ देश ही नहीं अक्षरधाम मंदिर को देखने के लिए विदेशियों का भी जमावड़ा यहाँ लगा रहता है। अगर आप समय निकाल कर आएंगे तो यहाँ मौजूद हर कोने को बखूबी परख पाएंगे। सुबह 9:30 से लेकर शाम 6:30 बजे तक अक्षरधाम मंदिर खुला रहता है। मंदिर के अंदर आपको कैमरा मोबाइल लेकर जाने की अनुमति नहीं होती। छतरपुर मंदिर। दक्षिणी दिल्ली में स्थित यह भव्य मंदिर भी आध्यात्मिकता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इस मंदिर में शिव, पार्वती, हनुमान, राधा कृष्णा जैसे भगवानों की मूर्ति आपको भक्ति के लिए आकर्षित करती है। मुख्यतः यह मंदिर देवी कात्यायनी को समर्पित है। यदि आप धर्म आस्था में विश्वास रखते हैं तो यह मंदिर आपको अत्यंत शांति प्रदान करता है। 70 एकड़ में फैले इस मंदिर की वास्तुकला अत्यंत काबिले तारीफ है। इस्कॉन टेम्पल। भगवान कृष्ण एवं राधा को समर्पित इस भव्य मंदिर की सजावट जन्माष्टमी के दिन देखने योग्य होती है। यह सिर्फ आध्यात्मिकता का केंद्र नहीं है बल्कि यह म्यूजियम, रेस्टोरेंट व शादी पार्टियों का भी एक केंद्र है। शाम के वक्त रंगीन लाइटों से शोभित मंदिर आपको हैरान कर देगी। दिल्ली में रहकर यदि आप भव्य मंदिर की खोज में हैं तो आपको इस्कॉन टेम्पल एक बार जरूर जाना चाहिए। लोटस टेम्पल। कमल के फूल के आकार का यह मंदिर भी दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है जहां जाकर आपको शांति का एहसास होगा। इस टेम्पल में आपको किसी भी धर्म की मूर्तियां नहीं दिखेंगी क्योंकि मान्यता है कि भगवान का ध्यान करने के लिए मूर्तियों की आवश्यकता नहीं। सभी धर्मों के लोग यहां पर आते हैं, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं। कमल का फूल शांति एवं पवित्रता का प्रतीक है जिसके आधार पर लोटस टेम्पल का निर्माण किया गया। जामा मस्जिद। भारत के सबसे बड़े मस्जिदों में शुमार जामा मस्जिद
शाहजहां के समय के सबसे प्राचीन इमारतों में से एक माना जाता है। मस्जिद की लंबाई चौड़ाई इतनी है कि यहाँ पर एक बारी में 25,000 से अधिक श्रद्धालु आ सकते हैं। दिन ढलने के साथ इस स्थान पर लोगों का जमावड़ा शुरू हो जाता है, तो यदि आप इस स्थान को अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप सुबह के समय कम भीड़ में यहाँ आ सकते हैं। यदि आप कैमरा ले जाकर इस स्थान की खूबसूरती को कैमरे में कैद करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ चार्ज देना होगा। नेशनल रेल म्यूजियम इस लिस्ट में अंतिम स्थान पर आता है। नेशनल रेल म्यूजियम अंग्रेजों के जमाने की ट्रेनों को सजोकर इस स्थान पर रखा गया है। यहाँ पर आपको भारत की प्राचीन रेल देखने के साथ ही कुछ टॉय रेल भी मिलेंगी जिनमें आप किराया देकर सफर कर सकते हैं। इस स्थान पर आपको रेस्टोरेंट का अच्छा भोजन भी मिल जाएगा, अतः इस स्थान पर आकर तस्वीरों को खींचना तो बिल्कुल ना भूलें। घर में यदि आपके छोटे बच्चे हैं तो एक बार उनका दिल खुश करने के लिए उन्हें नेशनल रेल म्यूजियम की पिकनिक पर जरूर लेकर आएं। तो साथियों, यह थे दिल्ली के खूबसूरत पर्यटन स्थल जहां पर बड़ी संख्या में लोग दिल्ली दर्शन करने आते हैं। इस लिस्ट में से आपको कौन सा पर्यटन स्थल दिल्ली का सबसे अधिक पसंद आया, आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना ना भूलें। इसके साथ ही यदि हमसे कोई पर्यटन स्थल दिल्ली का छूट गया है तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य बताएं। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को भी दिल्ली दर्शन की जानकारी आप पहुँचा सके। तो दोस्तों, हमें दीजिए इजाज़त। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई और उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।